कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा काम की, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं ढेर सारे ऐसे तरीके जिससे आपके रोज के घर के काम बहुत आसान हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके घंटों का काम भी कुछ मिनटों में निपट जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रोज की तरह सारी टिप्स बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। तो चलिए पहला तरीका देख लेते हैं। दोस्तों, हम सबके घर में बेडरूम में तकिया और बेड बिल्कुल जरूरी होता है अच्छी नींद के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं तो तकिए कम पड़ जाते हैं। कई बार दो चार मेहमान अगर ज्यादा घर में आ जाए ना तो बिस्तर तो जमीन पर भी हम लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो तकिए होते हैं इनकी शॉर्टेज हो जाती है, और फिर हम कभी सोफे के कुशन ले लेते हैं, उनका तकिया बना देते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा एक बढ़िया तरीका बताने वाली हूँ जिसके बाद आपके घर में मेहमान आएंगे लेकिन तकिए की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। हम सबके घरों में सर्दियों के दिनों में इस तरीके के जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ये सबके पास होते हैं। इनका यूज हम अक्सर अपनी बेडशीट पे इनको बिछाने के लिए करते हैं ताकि ये गर्म रहे। लेकिन इसके अलावा आप इसको एक तकिया बनाकर भी यूज कर सकते हैं। बस करना आपको कुछ नहीं है, ये जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं इनको ऐसे ही फोल्ड करना है, और जो आपके खाली पड़े हुए तकिए के कवर हैं उसको अंदर इसके अंदर डाल देना है। आप देखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल तकिया है उससे भी बढ़िया और सॉफ्ट तकिया आपको ये बनकर मिलेगा, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट होते हैं ना पतले वाले ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जब इन पे सर हम रखते हैं ना तो इतनी बढ़िया नींद आती है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कभी भी आपके घर में कोई भी गेस्ट आए, मेहमान आए, या कितने भी मेहमान आपके घर में अगर आ जाए ना, तो आप इस तरीके के जितने चाहे उतने कुशन कवर या पिलो कवर आप कुछ भी बना के रख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बल्कि आपके जो रियल तकिए हैं उनसे भी ज़्यादा आपको आरामदायक ये लगते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर दो तकिए इंस्टेंट बनाकर आपको दिखा दिए हैं कि कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने पिलो कवर लिया है और इसके अंदर ब्लैंकेट को फोल्ड करके डाल दिया है, और बिल्कुल आपके रियल तकिए की तरह ही ये आपको लगेगा, बल्कि उससे भी अच्छा लगेगा। आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये आपको बेहद पसंद आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। दोस्तों, हम सबके घर में जब कभी भी इस तरीके के डब्बे वाले बिस्किट आते हैं ना, तो बिस्किट तो हम लोग खा लेते हैं लेकिन ये डब्बा ना बेकार समझकर फेंक ही देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसका क्या यूज होगा, तो इसे डस्टबिन में कचरे में हम डाल देते हैं। लेकिन इसका भी आप यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि बिस्किट जैसे ही आप खत्म कर लेते हैं ना, तो फटाफट से आपको इसे साफ कर लेना है, या फिर आप धो लीजिए या फिर किसी भी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब चलिए चलते हैं हम हमारे फ्रिज की तरफ। अब इसका फ्रिज में किस तरीके से यूज करना है, जिस जगह पे हम ऐसे वाला जो जगह बना होता है ना जिसमें हम कई बार मसाले रख देते हैं, मसाले के डब्बे रख देते हैं या कोई भी सामान, वहां पर आप किसी भी क्लिप की मदद से इनको फिक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्लोथ पिन ले रही हूँ, उसके बाद अच्छे से फिक्स हो जाएगा। आप इसके अंदर आपके फ्रिज का कोई भी सामान इसके ऊपर रख सकते हो, ना कहीं गिरने वाला है, ना ही कहीं टूटने वाला है, और ना ही खराब होने वाला है। और फ्रिज को आराम से बंद करिए, आराम से खोल लीजिए। मैंने इसमें अदरक रखा है, आप इसमें कोई भी आपका फ्रिज का जरूरी सामान रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, झाड़ू का यूज तो हम सभी अपने घरों में करते हैं, और टाइम टू टाइम इस झाड़ू की सफाई करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये झाड़ू हमारे पूरे घर को साफ रखती है और धीरे धीरे करके बिल्कुल गंदी हो जाती है। लेकिन हम इसको ना साफ नहीं करते, या शायद इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि झाड़ू सिर्फ सफाई का ही काम करती है और इसका सफाई करना जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ू अगर आप चाहते हैं कि आपकी लंबे टाइम तक चले, तो आप इस काम को जरूर से करके देखिएगा। सबसे पहले आपको करना यह है, मैंने यहाँ पर पुरानी झाड़ू ली है, सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले तो झाड़ू पर अच्छे से कंघी चला लीजिए और इसके जितने भी तारे हैं, बाल हैं, इनको सीधा कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी उलझन इसमें ना रहे। फिर थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद फिर से कंघी चलाइए और अच्छे से इनको सीधा कर लीजिए ताकि जितना भी सर्फ है अंदर तक चला जाए। फिर हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें हार्पिक, क्योंकि हम सभी जानते हैं हार्पिक हर तरीके की गंदगी को अच्छे से निकाल देता है। अगर इसके अंदर फंगस भी लगी होगी ना, तो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, कितना भी इसमें गंदगी होगा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। बस आपको करना अब ये है कि इसको अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद इसको सुखाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ही घंटों के अंदर आपकी पूरी झाड़ू सूख जाएगी। और आजकल तो धूप भी इतना तेज़ है कि घंटे में भी नहीं, आपकी तो झाड़ू आधे घंटे में सूख जाएगी। बस आपको क्लिप लगा
लगानी है इस तरीके से झाड़ू में, ताकि हवा पूरी तरीके से इसके अंदर जाती रहे और आपका झाड़ू पूरी तरीके से सूख जाए। आप देखेंगे कि आपकी झाड़ू पहले से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गई है और अच्छे से आप घर की सफाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ट्रिक अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हम सबके घरों में ये जो पैन होता है, नॉनस्टिक पैन, आपने देखा होगा जो नॉनस्टिक पैन या ऐसे बर्तन होते हैं ना, कई बार इनकी जो ये कीले वगैरह है ना निकल जाती हैं। तो इसका जैसे ये कील निकल गई है, अब ये ढीला है काफ़ी टाइम से, तो मेरे पास ये वाली जो कील है छोटी सी, कैसी भी आपके घर में हो, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इसको आप अच्छे से पेचकस की मदद से कस लीजिए, आपकी ये झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कई बार ये जो पैन होते हैं इस तरीके के नॉनस्टिक, इनके ये पेच पुर्जे ना ढीले हो जाते हैं, और ये जब ढीले हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके इधर उधर गिरते रहते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी पेच आपके घर में हो आप लगा दीजिए और ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ना ही कहीं गिरने वाला है, ना ही कहीं निकलने वाला है, और आपका पैन फिर से पहले की तरह ठीक से फिक्स हो जाएगा और अच्छे से काम भी करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, थालियों का यूज़ तो अक्सर हम सब सिर्फ खाने के लिए करते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग करेंगे। कई बार ऐसा होता है हमारे किचन में मौजूद रहने वाली जो थालियाँ हैं, कई बार उनमें से कुछ थालियाँ पिचकी हुई होती है, ख़राब होती है, गंदी होती है, किनारे टूट गए होते हैं हल्के फुल्के, तो हम उसका यूज़ करना ना पसंद नहीं करते। तो आप क्या करिए, उनका बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने ली है यहाँ पर दो बेकार पड़ी हुई थालियाँ। बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको थाली थोड़ी छोटी और एक बड़ी लेनी है, सेम साइज़ की नहीं लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने चूड़ियाँ ली हैं जो बेकार मेरे घर में पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा इस सारी चूड़ियों को इसके बीच में मैंने रख दिया है। उसके बाद जितना भी आपका घर का जो भी ये डिब्बे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, उसका आपको यूज़ करना है, और सारे डब्बे सारी चीज़ें सामान आपको इसके अंदर रख देने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर की बेकार पड़ी हुई थालियाँ भी कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हैं। यानी कि आपके सारे डब्बे जो कि स्लैब के ऊपर रखे होते हैं, कई बार तो मिलते भी नहीं है कौन सा डब्बा आगे रखा है कौन सा पीछे रखा है, इस थाली के अंदर आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और आपको सारे डब्बे भी आसानी से मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपकी दोनों थालियां काम भी आ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे चूड़ियों का यूज़ किया है, आप यहाँ पर मोतियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी थालियाँ बहुत अच्छे से रोटेट होंगी। तो मेरे पास तो यहाँ पर मोतियाँ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ यूज़ की हैं। तो इस तरीके से आप इसे चाहें तो किचन की स्लैब के ऊपर भी रख सकते हैं, सारे डब्बे आपको आसानी से मिल जाएंगे। कभी चाय बनानी है, कुछ खाना बनाना है, तो आपको सारी चीज़ें एक की जगह पे मिल जाएंगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा डेकोर है, इसे जरूर से आप यूज करके देखिएगा। तो दोस्तों, ये काफी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो घर के काम तो आपके आसान होते ही है, साथ ही साथ बचत तो होगी ही, और आपका टाइम भी बचेगा और काम भी आसान हो जाएगा, और आप खुद के लिए भी काफी सारा टाइम भी निकाल पाएंगे। और ब्लैंकेट से पिलो बनाने का ये तरीका आपको बेहद पसंद आने वाला है। कभी भी आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो इस तरीके का यूज आप जरूर करिएगा, आपके घर में कभी भी पिलो की यानी तकिए की कमी नहीं होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।